G6 न्यूज में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहान वोरा। आइए एक नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। यूक्रेन पर हमले का छठा दिन, खार्किव में रूसी सेना ने राशन की कतार में खड़े भारतीय छात्रों को गोली मारी। MBBS के फोर्थ ईयर के स्टूडेंट था। खार्किव में गोलीबारी में नवीन कुमार नामक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। 21 साल के नवीन कर्नाटक से थे और खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथे साल के मेडिकल छात्र थे। उनके दोस्तों ने बताया कि नवीन खाना लेने के लिए निकले थे जब उन्हें गोली लगी। विदेश मंत्रालय ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरदीम बागची ने ट्वीट किया, हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्रा की जान चली गई। मंत्रालय छात्र के परिवार से बातचीत कर रहा है। अरदीम बागची ने आगे कहा, फॉरेन सेक्रेटरी रूस और यूक्रेन के एम्बेसडर्स को कॉल करके खार्किव और दूसरे शहरों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का रास्ता देने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने इसराइल PM से 5 बार बात की, लेकिन यहूदियों की हिमायती देश ने नहीं की मदद। रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इंटरनेशनल फोर्सेस से सहयोग मांगा है। इसमें मध्य पूर्व का देश इसराइल भी शामिल है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के यहूदी होने के चलते यूक्रेन के लोग इसराइल के एक तरह का जुड़ाव भी महसूस करते हैं, लेकिन दुनिया भर में यहूदियों की हिमायत का दम भरने वाले इसराइल ने यूक्रेन में अब तक किसी तरह का सैन्य सहयोग नहीं किया। यहां तक कि जेलेंस्की ने अब तक 5 बार इसराइल PM नफ्ताली बेनेट से बात कर चुके हैं। इसराइल अपने सैन्य तकनीक और ताकत के लिए चर्चित है, लेकिन यूक्रेन समेत दुनिया भर के देश हैरान है कि इसराइल के PM बेनेट ने अपनी जुबान पर रूस का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। भोपाल की छात्रा बोली, बंकर में शराबी ने उत्पात मचाया तो हॉस्टल लौटे, सरकार से निकालने की गुहार। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए यूक्रेन के बंकर भी अब सुरक्षित नहीं बचे हैं। खार्किव में रह रही कुछ छात्राएं रात में बंकर में थी, तभी एक यूक्रेनी ने वहां नशे में हंगामा मचा दिया। डर के मारे छात्राएं वापस हॉस्टल आ गई। इनमें भोपाल की एक छात्रा भी शामिल है। छात्रा ने एक अखबार को बताया कि धमाकों से डर लग रहा है, सरकार जल्द उन्हें वापस वतन ले आए। खार्किव में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही भोपाल की छात्रा शिवानी ने बताया कि वह और उसकी साथी बंकर में रात गुजार रही थी, तभी वहां शराबी पहुंच गया और हंगामा करने लगा। इसके बाद सभी वापस हॉस्टल में आ गए। यहां भी डर लग रहा है क्योंकि रूसी सेना हमले कर रही है। शिवानी ने बताया कि हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, खाने की चीज़ों को भी शॉर्टेज होने लगी है। अमृतसर में इलेक्शन लड़ रहे प्रत्याशियों की नज़र 16,500 बैलेट पर। सोशल मीडिया पर अपील, पंजाब चुनाव में मतदान हो चुका है, लेकिन वोट की अपील का दौर अभी भी थमा नहीं है। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों की नज़र अब बैलेट पेपर के जरिए डाले जाने वाले वोट पर है। एक एक वोट की कीमत चाहे वोटर भी न समझे, लेकिन प्रत्याशियों के लिए ये बेहद मायने रखता है। इसलिए प्रचार प्रसार और वोटिंग खत्म होने के बाद भी बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने की अपील की जा रही है। अखिलेश को EVM से छेड़छाड़ का सताने का डर, कार्यकर्ताओं से कहा, जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने EVM की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सपा गठबंधन के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से अपील की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, अखिलेश ने लिखा, लखनऊ में सभी के लिए प्रतिबंधित EVM स्ट्रांग रूम में एक सरकारी अधिकारी के घुसने का प्रयास बेहद गंभीर मामला है। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों पद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे सभी जगह पर EVM स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दे, जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। राजधानी कीव में टारगेटेड रूसी हमले की आशंका, अधिकारियों ने कहा इन्हें तुरंत धके। रूस और यूक्रेन के बीच के जंग का छठा दिन भी जारी है। इस बीच रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले को लेकर एक नई रणनीति की जानकारी सामने आई है। यूक्रेन की राजधानी कीव की इमारतों पर और छतों पर संकेत देखे गए हैं। माना जा रहा है कि इन संकेतों के जरिए रूस इन इमारतों पर टारगेटेड हमला कर सकता है। इन संकेतों को शहर की ऊंची इमारतों और गैस पाइपों की छतों पर देखा गया है।
यूक्रेन के अधिकारी इन संकेतों को लेकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। इन संकेतों में एक चमकदार लाल रंग का एक्स और तीर का निशान भी शामिल है। 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर रोमानिया बॉर्डर पहुंचे थे। सरकार ने टेंट में ठहराया। यूक्रेन पर रूस लगातार हमला कर रहा है, जिससे खलबली भारत में भी मच गई है। दरअसल यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए अनेक छात्रा गए हुए हैं। फतेहाबाद जिले के करीब 39 से अधिक छात्रा यूक्रेन में गए हैं। इनमें से अब तक 2 ही छात्रा वापस आए हैं। छात्रा हर दिन वीडियो वायरल कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस बुलाया जाए। अब तो स्थिति ये है कि भारतीयों को समय पर फ्लाइट नहीं मिल रही। पिछले 3 दिनों से छात्रा रोमानिया सीमा पर आराम कर रहे हैं। हालांकि रोमानिया सरकार ने टेंट लगाकर शिविर लगा दिया है। ऐसे में खाना आदि का प्रबंध किया जा रहा है। भुना के वार 13 निवासी तन्नु, बुथन खुर सुप्रिया व मोची वाली निवासी निशा इस समय रोमानिया में फ्लाइट का इंतजार कर रही है। सुप्रिया ने बताया कि 10 से 12 किलोमीटर पैदल चढ़कर रोमानिया बॉर्डर पर पहुंची थी। उसके बाद रोमानिया एयरपोर्ट पर भी पहुंच गई थी, लेकिन वहां जाकर पता लगा कि फ्लाइट नहीं है। गुजरात टाइटंस को झटका। बायो बबल के कारण इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने छोड़ा टीम का साथ। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय आईपीएल 2022 से हट गए हैं। वे गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा थे। जेसन रॉय ने लंबे समय तक बायो बबल में नहीं रहने के कारण यह फैसला लिया है। उन्होंने इसकी जानकारी पिछले सप्ताह फ्रेंचाइजी को दे दी थी। गुजरात ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया। गुजरात ने 2022 का ऑक्शन में जेसन रॉय को 2 करोड़ की बेस प्राइस पर अपने साथ लिया था। यह दूसरी बार है जब जेसन रॉय ने आईपीएल से नाम वापस लिया है। 2022 में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 1.5 करोड़ रुपये की बेस प्राइस पर चुना था, लेकिन पर्सनल वजहों का हवाला देते हुए वे हट गए थे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों को लेकर। देखना ना भूले G6 न्यूज़।